हाई एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इफ यू आर न्यू हियर माई नेम इज अंतिमा दूबे आई मेक वीडियोज ऑन मेकअप फैशन एंड लाइफ स्टाइल सो आई एम बैक विद एन अदर रिव्यू काइंड ऑफ वीडियो एंड टूडे आम गोइंग टू टॉक अबाउट सनस्क्रीन्स विच इज फ्रॉम डर्मागो ये स्काईज तो आजकल मार्केट में बहुत टाइप के सनस्क्रीन्स अवेलेबल है लाइक क्रीम सनस्क्रीन्स लोशन सनस्क्रीन स्प्रे सनस्क्रीन पाउडर सनस्क्रीन सनस्क्रीन सिरम सनस्क्रीन जेल एंड सनस्क्रीन स्टिक टिंटेड

और मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही टच करूंगी, अगर मैं में बात करूंगी तो जाकर तो जा देख सकते हैं या मैं उन सबका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और मैं स्टार्ट करूंगी इस सनस्क्रीन से क्योंकि ये जो सनस्क्रीन है ना ये सिर्फ मेरा ही नहीं आई थिंक सबका फेवरेट सनस्क्रीन है जो कि है डरमा को वन परसेंट हाइलेक्रीन एक्वा जेल जिसका प्राइस है सिक्स टी नाइन रुपीज जिसमें आपको मिलेगी एटी ग्राम्स की क्वांटिटी और जिसकी सेल्फ लाइफ है टू इयर्स की ठीक है इसमें आपको एस पी एफ फिफ्टी के साथ पी ए फोर टाइम प्लस मिल जाता है एंड इसमें हाइलोरॉनिक एसिड है इसको सुन के कई लोग सोचेंगे कि यह सनस्क्रीन बहुत ज्यादा हैवी हो सकती है स्टिकी हो सकती है ऑयली हो सकती है या चिपचिपी हो सकती है बट बिल्कुल ऐसा नहीं है यह सनस्क्रीन बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है अप्लाई करते ही आपकी स्किन में जल्दी से ये एब्जॉर्ब हो जाती है बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती है एंड स्किन को ये हाइड्रेटेड रखती है मतलब ऑयली नहीं हाइड्रेटेड रखती है ठीक है इसमें वटमिन ई e भी है जो कि आपकी स्किन में ग्लो प्रोवाइड करती है एंड ये जो सनस्क्रीन है ये फ्रेग्रेंस फ्री है यही सनस्क्रीन क्या डर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं एंड जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो भी आराम से इसको यूज कर सकते हैं ठीक है एंड ये जो सनस्क्रीन है ये एंड यूवी बी दोनों रेस से तो प्रोटेक्ट करती ही करती है साथ के साथ आपको ये ब्लू लाइट से भी प्रोटेक्ट करती है इसमें किसी भी टाइप का कोई भी सल्फेट पैराबिन डाई मिनरल ऑयल नहीं है अगर मैं इसके कलर कंसिस्टेंसी या टेक्सचर की बात करूं तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल वाइट है एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो क्रीमी है लेकिन बहुत ही लाइट क्रीम जो वो जेल एंड क्रीम को अगर आप मिक्स कर दें तो उस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है अप्लाई करने के बाद बहुत ही लाइट फील होगा आपको जल्दी से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा वाइट कास्ट आप देख सकते

इंग्रीडियंट के बारे में बात नहीं करूंगी हाइलेरिक एसिड के बेनिफिट्स आप लोगों को पता ही है एंड हाइलेरनिक एसिड पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है स्किन केयर में मतलब अगर किसी भी स्किन केयर में हाइलेरॉनिक एसिड है तो वो प्रोडक्ट मेरा फेवरेट होने ही वाला है ठीक है एंड इसमें भी किसी भी टाइप का कोई फ्रेग्रेंस या केमिकल नहीं है एंड अगर मैं बात करूँ इसके कलर कंसिस्टेंसी या टेक्स्चर की तो जैसा कि ये टिंटेड सनस्क्रीन है तो आप देख सकते हैं इसमें आपको एक टेंट मिलेगा और ये जो टेंट है बहुत ही न्यूट्रल है ऐसा नहीं है कि किसी की स्किन फेयर है तो वो इसको नहीं यूज़ कर सकते या किसी की स्किन डार्क है मीडियम स्किन है तो नहीं यूज़ कर सकते बहुत ही न्यूट्रल है हर स्किन टाइप के लोग इस टेंट को यूज़ कर सकते हैं अप्लाई करने के बाद आपको ना एक थोड़ा सा सिलिकन बेस वाली फील आएगी ये स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर देता है मैटिफाई कर देता है आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क आपको दिख रहा होगा इस पर बिल्कुल भी शाइन नहीं है एंड स्किन को कितना इसने इवन कर दिया है अगर थोड़ा बहुत आपकी स्किन पे टेक्सचर है पिगमेंटेशन है डार्क स्पॉट है तो उसको ये इवन कर देगा एंड आपकी स्किन को ये मैट लुक प्रोवाइड करेगा नेचुरल लुक प्रोवाइड करेगा आपको अगर एवरी में कुछ ऐसा हल्का फुल्का टेंट चाहिए जो लोग बीबी क्रीम वगैरह यूज करते हैं इतना सारा स्किन केयर होता है देन सनस्क्रीन होता है उसके ऊपर बीबी क्रीम होता है इतनी सारी लेयरिंग होती है तो स्किन जो है वो हैवी फील होने लगती है तो वैसे में आपको सिर्फ ये सनस्क्रीन यूज करना

इसका इसकी अगर मैं पैकेजिंग वगैरह की बात करूं तो थोड़ी सी डिफरेंट पैकेजिंग है छोटी सी पैकेजिंग है ये भी फ्रेग्रेंस फ्री है जस्ट यहां से आपको इस तरह से ट्विस्ट करना है एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाएगा वैसे मैंने इसका सेपरेट रिव्यू अभी तक नहीं किया है इस वजह से मैं इसकी पैकेजिंग वगैरह दिखा रही हूँ एंड जस्ट आपको इस तरह से रोल करना है देन आपका प्रोडक्ट बाहर अंदर चला जाएगा ठीक है ये सनस्क्रीन स्पेशली बनाया गया है री एप्लीकेशन के लिए अगर आपने मेकअप वगैरह कर रखा है या मेकअप नहीं भी कर रखा है हर सिक्स टू सेवन आवर्स में हमें सनस्क्रीन जो है रीअप्लाई करना चाहिए या उससे पहले ही तो बहुत ही मुसीबत हो जाती है अगर स्किन पर स्वेट वगैरह है एंड बाहर हो आप कहीं पर तो आराम से इससे आप इस तरह से रीअप्लाई कर सकते हैं एंड आपका मेकअप वगैरह बिल्कुल भी नहीं हटेगा और ये जिस तरह से डिजाइन किया गया है हर जगह पे लाइक जो कॉर्नर वगैरह होते हैं पॉइंट्स जो फीचर्स के होते हैं वहाँ पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और ये सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है ग्रीजी नहीं है आप देख सकते हैं वाइट कास्ट तो इनमें बिल्कुल भी नहीं है एंड नेक्स्ट एंड लास्ट सनस्क्रीन जो है वो है टर्मा को मैटिफाइंग हंड्रेड मिनरल पाउडर सनस्क्रीन फॉर ऑन द गो ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन जिसका प्राइस है सिक्स जिसमें आपको मिलेगी फोर ग्राम्स की क्वान्टिटी और जिसकी सेल्फ लाइफ है टू ईयर्स की एंड अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इसमें जिंक ऑक्साइड है टाइटेनियम डाइऑक्साइड है एंड वाइटमिन ई है ये सनस्क्रीन भी डर्माटोलॉजिकली टेस्ट ड एंड फ्रेग्रेंस फ्री है इन सभी सनस्क्रीन में किसी भी टाइप का कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा यूनिक है क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है इस तरह का ब्रश अगर आपने फुल मेकअप किया है और आपको लगता है कि मेकअप क्यों काफी टाइम हो गया है मुझे सनस्क्रीन अप्लाई करना है आपको बाहर जाना है तो ये बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है अगर आपने मेकअप नहीं भी अप्लाई किया है तो भी री के लिए सनस्क्रीन काफी अच्छा है मैं बताती हूँ क्यों क्योंकि अगर आपके फेस पे स्वेटिंग वगैरह होती है ना तो उसके ऊपर क्रीम सनस्क्रीन या जेल सनस्क्रीन अप्लाई करना थोड़ा सा अजीब लगता है हैवी लगता है, चिप लगता है है चिपचिपा लेकिन इस सनस्क्रीन को अप्लाई करते ही आपकी स्किन को मैटिफाई कर देगा क्योंकि ये पाउडर सनस्क्रीन है है एंड आपका जो स्वेट वगैरह वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा आराम से आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल मैटिफाई दिखेगी एंड उस पर कोई भी शाइन या स्वेट नहीं दिखेगा ठीक है और इस सनस्क्रीन में भी मैंने आपको बताया कि एसपीएफ फिफ्टी है पी ए टाइम प्लस का आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है ठीक है तो आई थिंक सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है कुछ भी जानना है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगी और अगर आपको इनमें से कुछ भी ट्राई करना है तो इन सबका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से परचेज कर सकते हैं एंड अगर आप डोमाको की वेबसाइट से परचेज करते हैं तो मैं यहां पे अपना कूपन कोड लगा दूंगी उसको अप्लाई करने के बाद आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा ठीक है अगर आप डोमाको की वेबसाइट से परचेज करते हैं तो ये आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं हैं उस बच्चे से जिसको ये एजुकेशन देने में हेल्प करते हैं क्योंकि डरमाको का यह संकल्प है कि इस साल ये दस हजार से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन देने में हेल्प करे विद भूमि ठीक है और आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर